हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मिला। जांच के लिए सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में भेजा गया है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बद्दी इलाके के रहने वाले शख्स में 21 दिन पहले संक्रमण के लक्षण दिखे थे। फिलहाल वह ठीक है और आइसोलेशन में है। वहीं आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मरीज मिल चुके हैं, इनमें से 3 केरल जबकि 1 दिल्ली का है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।